दरवाजा बाजार बेजा कब्जा नहीं हटाए गए तो ग्राम पंचायत बालपुर के महिला समूह के सदस्यों ने आज सारंगत से गिद्धौरी मार्ग को सरसेवा में चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले महिला समूह के महिलाओं द्वारा भूख हड़ताल भी किया गया था, जिसमें एक महिला बेहोश होकर गिर पड़ी थी। तब एसडीएम प्रकाश राजपूत और उसकी टीम ने 21 दिन के भीतर बेजा कब्जा हटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन एक माह हो जाने के बावजूद न तो उस गांव में एसडीएम की टीम पहुंची और न ही ग्रामीणों की समस्या का समाधान हुआ। चक्का जाम लगभग 3 घंटों तक चली और मौके पे नए एसडीएम ने 2 दिन के भीतर जांच कर बेजा कब्जा के ऊपर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया, तब जाकर महिलाओं ने चक्का जाम खोला। मामला क्या है और किस साइड से अभी कार्रवाई की गई, क्या आश्वासन दिया? ये बालपुर के लोगों ने, खास करके उसमें ज्यादातर महिला सहायता समूह के लोग हैं, इन्होंने बालपुर गांव के प्रमुख जगहों से 2 जगह उन्होंने चिन्हित करके बताया है। उस जगह में लोगों ने कब्जा करके वहां जमे हुए उनको हटाने के संबंध में पूर्व में भी उनके द्वारा आवेदन दिया गया था। हमारे से पहले जो एसडीएम साहब राजपूत साहब थे और तहसीलदार थे, वो लोग गांव भी गए थे। उन्होंने 21 दिन के भीतर हटाने का उन लोगों को आश्वासन दे रखा था। 21 दिन में नहीं हटने के कारण ही ये लोग चक्का जाम संबंधी सूचना कलेक्टर को, एसपी को, थाने में और हमें भी दिए हुए थे। उन्हीं को हम लोग समझाने आए थे कि चक्का जाम करना अच्छी बात नहीं है, चक्का जाम करने से लोगों को भारी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। समझाने के बाद जो है हमने उनको उनके गांव जो है परसों पहुंचने की बात कहा है और वहां जाके देखने के बाद जो स्थिति रहेगी उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। पूर्व में लगातार अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीण खुल चुके हैं, तो आप रुक इस मामले पर रुक रखते हुए आपने उचित कार्रवाई 3 दिन के अंदर करने का आश्वासन दिया, तो ग्रामीण लोग क्या बोल रहे हैं? अब हम वहाँ परसों जाएंगे, सभी लोगों को समझा रहे हैं, उपस्थित जन समुदाय को जो स्थिति रहेगी। मैं तो उसको देखा भी नहीं हूँ कि कहाँ पर ये एनक्रोचमेंट को हटाने की बात कर रहे हैं। मेन जगह होगा, हमारी कार्रवाई पूरी हो गई होगी और उचित लगेगा तो हटाने की कार्रवाई की जाएगी। मैं एसडीएम हूँ बिलाईगढ़ में। मामला बताना चाहिए, हमन के बेजा कब्जा हटाए के मामला से हमन भूख हड़ताल में बैठे हैं। 6 दिन बैठे हैं, 6 दिन के बाद में मैडम आई से, एसडीएम आई से, हमन के एक जी आदमी है गिर के बेहोश हो गए 6 दिन के भूख में। अब बेहोश होने के बावजूद में कहला एसडीएम तहसीलदार आई से, हमन ने लिखित रूप से दी कि 21 दिन के बाद हम पूरा सब काम कर देंगे, लेकिन आज तक कुछ काम नहीं करे। 21 दिन के अंदर में आप लोगों को एसडीएम जो थे, तत्कालीन एसडीएम थे राजपूत थे, उस टाइम आप लोगों को 21 दिन के अंदर में कार्रवाई करने का आश्वासन दिए, उसके बाद क्या कार्रवाई की? उसके बाद एक दिन भी कार्रवाई नहीं करे, आज 1 महीना हो गया कुछ। उसके बाद आपकी ओर से कुछ पहल किया गया कि कुछ नहीं पहल करे? आप लोगों ने एसडीएम से मुलाकात की है? हां, एसडीएम कर हम कह रहे हैं, हां तो वो कहते अभी लोक सुराज चला थे, लोक सुराज के बाद जाएंगे, अब लोक सुराज खत्म हो गए ओकर बाद भी नहीं किसी एसडीएम का सीधा कोई नहीं। हम जगह जगह के कोसम कुंडा में गए रहे हैं, कागज दे दो, कोसम कुंडा से झुमका गए हैं और गिरसा गए रहे हैं, उतना दूर माना दूर माना। मांग आप लोग क्या है, मांग क्या है, पूरा मामला क्या है? हम बैठा कब से हटा दे दो सिर्फ भवन आओ, मंगल भवन और सब सामुदायिक भवन उनमें बनाना है, आंगनबाड़ी बनाना है। अभी अभी तहसीलदार आए हुए हैं तो उसको आप लोगों से मुलाकात किया है या कुछ चर्चा किया है अभी तक? मुलाकात करी है, करवाता है कहा थे, लेकिन वो कुंडी में जा बैठे, कुछ ठंडा पिया थे वहाँ से आराम के साथ, हम पब्लिक मन बुकता था और वहाँ होकर रस पिया था। अच्छा, आप लोग अगर इस टाइप से प्रशासन के द्वारा आप लोग नहीं लिया जा रहा है तो हम तो जगह जगह बेइज्जती करा था, महिला मन का करी भूख हड़ताल में बैठा रही था, लेकिन हमें के कारण ये नहीं हो रहा है। हाँ, प्रशासन आपके सूद नहीं ले रहे हैं तो आगे आप लोग क्या करना चाहेंगे? हम कलेक्टर के दबाव में है, किसके दबाव में है, क्यों काम नहीं कर रहे हैं? आपका नाम क्या है? नान भाई। अध्यक्ष आप? हाँ, महिला समिति का। हाँ, समिति का, हम 4 समूह के हैं। CNI न्यूज बलौदाबाजार से भागवत साहू की रिपोर्ट। एडी वैष्णव केयर एंड क्योर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सलोनी कला रोड भटगांव उपलब्ध विशेषज्ञ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ बांझपन प्रसव संबंधी एवं समस्त स्त्री रोग समस्या हेतु अस्थि रोग विशेषज्ञ जोड़ों के पुराने दर्द बात गठिया सूजन एवं हड्डी से संबंधित अन्य रोग हेतु शल्य क्रिया एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हाइड्रोसिल हार्निया फिरचूला पाइल सीने की सभी प्रकार की गांठ इत्यादि हेतु निश्चेतना एवं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट स्थान सलोनी कला रोड भटगांव मोबाइल नंबर 9754087092।